पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश में दो चरणों में चुनाव होने हैं। इसके मद्देनजर पहले चरण के लिए मुरादाबाद जनपद में मंगलवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। इसी कड़ी में मंगलवार को जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा द्वारा पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ आगामी नगर निकाय चुनाव की दृष्टिगत तहसील ठाकुर द्वारा और कांठ में नामांकन केंद्रों का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है जो 17 अप्रैल तक चलेगी। तो मैं और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय अभी हम लोगों ने ठाकुर द्वारा आज के भ्रमण की मंशा यही है कि 11 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक जो नामांकन होगा, 18 तारीख को जांच होगी, 20 तारीख को नाम वापसी है और 21 तारीख को सिंबल नाम। तो इन तारीखों में समुचित व्यवस्था रहे, जो लड़ने वाले हमारे उम्मीदवार को कोई दिक्कत ना हो, आम जनमानस को भी किसी तरह की दिक्कत ना हो, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया है। जिससे जो आदर्श आचार संहिता है एनएमसीसी, उसका सही ढंग से क्रियान्वयन हो, इसके संबंध में अधिकारियों से विमर्श किया गया, उनको निर्देश दिया गया। कुल मिलाकर अभी तक व्यवस्था सुचारू चल रही है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।